तो हेलो गाइस, रामायण फिल्म की अनाउंसमेंट हो चुकी है जो नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही है। वहीं गाइस आप लोग बता रहे फिल्म में रणवीर कपूर, साई पल्लवी, सनी देओल और यश लीड रोल में हैं। इसे दो पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा, पहला पार्ट दिवाली 2026 और दूसरा 2027 में। हालांकि फिल्म का बजट 850 करोड़ है लेकिन पोस्टर थोड़ा नॉर्मल ही दिख रहा है, जबकि हम उम्मीद कर रहे थे कि इसे बड़े प्रोजेक्ट को ज्यादा ग्रैंड तरीके से पेश किया जाएगा। रामायण जैसा ऐतिहासिक विषय किसी स्टार की मोहताज नहीं है, इसीलिए मेकर्स ने इसे किसी एक अभिनेता के नाम से नहीं जोड़ा है, जो एक स्मार्ट कदम साबित हो सकता है। वहीं गाइस कॉमेडी लवर्स के लिए खुशखबरी आ गई है, प्रियदर्शन की हिट फिल्म भागम भाग के सीक्वल बनने जा रहा है। फिल्म की शूटिंग 2025 तक पूरी हो सकती है और ये 2026 में रिलीज हो सकती है। इसके अलावा अंदाज अपना अपना 4K वर्जन में अगले साल रिलीज किया जाएगा। फिल्म की 30वीं सालगिरह पर इसके खास मर्चेंडाइज लॉन्च किए जाएंगे, जिसमें डायलॉग्स और यादगार सीन के जश्न मनाया जाएगा। वहीं गाइस आप लोगों को बता दें पुष्पा 2 का ट्रेलर जल्दी सामने आएगा। इसके प्रमोशन के लिए अल्लू अर्जुन 15 नवंबर से देश भर में 6 शहरों का दौरा करेंगे। फिल्म भारत में 5 दिसंबर को रिलीज होगी लेकिन इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए 4 दिसंबर को आ जाएगी। हालांकि छावा की रिलीज 6 दिसंबर को तय है लेकिन इसकी हाइप पुष्पा 2 से काफी कम है। इसके मेकर्स अब एक नई रिलीज डेट का विचार कर रहे हैं ताकि फिल्म की सफलता को बढ़ाया जा सके। वहीं सिंघम अगेन और भूलभुलैया 3 की कमाई में गिरावट देखी जा रही है और अब कंगवा भी जल्द इन फिल्मों को टक्कर देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों अब बारी है आपकी राय जानने की, सिंघम अगेन, भूलभुलैया 3 या कंगवा, इनमें से कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर राज करने वाली है, या फिर आप किसी और फिल्म से ज्यादा एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट में अपनी पसंद जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।